एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार का ही करंट अफेयर्स एक साल का जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इधर उधर का करंट अफेयर्स नहीं होगा, सिर्फ बिहार का होगा। ये पार्ट 7 है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप एग्जाम हंटर चैनल के देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाई चांस है कि इसके अलावा और कहीं क्वेश्चन से और कहीं से बिहार का क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरे डिटो फंसने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ खोद के लाया गया है। सामने जो बुक दिख रहा है उसमें से हम करवा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ पार्ट 7। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग करेंट इन्वायरमेंटल इशूज को करने वाले हैं, जो एक साल के अंदर में जितने इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 7 है, और इससे पहले पार्ट 6 आ चुके हैं, जिसमें बजट भी करवाया जा चुका है। आपको पता होगा कि बजट से 5 से 7 क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, तो उसको भी जाके कर लीजिए, उसको भी जाकर देख लीजिए। और बजट का PDF हम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके रट जाइए एक एक फैक्ट, ठीक है। तो हम आते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखिए। और देखो, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, दोनों में मिलेगा, तो आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं करना है कि इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, कि एक बायोमेडिकल वेस्ट इंसनरेशन, देखो मतलब ये क्या है ना, कि एक कहाँ पर खुल रहा है, बक्सर में। तो होता क्या है इसके बारे में बताएंगे हम, लेकिन पहले ध्यान रखिए क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पर खुल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बक्सर में ये खुलने वाला है। और ये होता क्या है कि सपोज करो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ये सबसे जो कचरा सब होता है ना, जो बायो वेस्ट जो होता है, ठीक है ना, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, उसको जला के करेंगे। तो ये कहाँ पर खुलेगा, ये बक्सर में खुलेगा, तो बक्सर वाला ध्यान से याद रखिएगा। अब न्यूज में क्यों है कि पता लग गया आपको। अब देखो, जनरली क्या है ना कि एक चैलेंज हुआ था, ठीक है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिशन है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ठीक है ना, इसको ध्यान से रखिएगा, याद कीजिएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो खोला जा रहा है, कौन से मिशन के थ्रू है। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन एक चैलेंज था जिसके थ्रू इसको खोला गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, बक्सर में है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो मिशन है वेस्ट टू वेल्थ मिशन, उसमें एक चैलेंज दिया गया कि कौन ऐसा, मतलब कोई है जो, कोई कंपनी है या कोई फर्म्स हैं जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम जला उला के सही कर देंगे, जिससे पोल्यूशन भी ना फैले, ठीक है। तो उस समय एक वर्क्स, जिसका नाम, इसका भी नाम देख लीजिएगा, गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्होंने डेवलप किया है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसको कहाँ पर डाला गया है, बक्सर में डाला गया है। तब यहाँ पर क्या हुआ कि बक्सर या उसके जो सराउंडिंग एरिया, जितने भी हॉस्पिटल सब होंगे, वहाँ के जो बायोमेडिकल वेस्ट होंगे उसको क्या किया जाएगा, इसमें उसको डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बक्सर याद रखना है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है, ठीक है। और कौन जीता है चैलेंज, गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, और उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि पटना में गंगा के किनारे हरित पट्टी, ठीक है, कौन सी पट्टी, हरित पट्टी, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब क्या है कि ग्रीन बेल्ट पटना के किनारे डाला जाएगा। आपको आपको पता होगा कि, अब सबसे पहला क्वेश्चन सोचिए कि ग्रीन बेल्ट होता क्या है। तो जो गंगा रिवर है, जो पटना एरिया को जो कवर करता है, उसके उसके अगल बगल में हम लोग क्या करेंगे ना कि पेड़ पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा। और पेड़ पौधा क्यों लगाएंगे, क्योंकि पता होगा कि पटना जो है काफ़ी पोल्यूटेड है, ठीक है ना। PM जो पार्टिकुलेट मैटर है PM काफ़ी हाई लेवल है पटना में, ठीक है ना। और आपको एक रिपोर्ट के हिसाब से देखे हो गया कि पटना जो है ना वर्स्ट सिटी है पोल्यूशन के मामले में। तो हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ पौधे गंगा के किनारे लगाएंगे, इससे क्या होगा कि पटना में पोल्यूशन कम किया जा सकता है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक एंड CNG बस रोड ऑन रोड्स ऑफ पटना, मतलब क्या है कि पटना की सड़कें पर इलेक्ट्रॉनिक एंड CNG बसें अब चलेगी, ठीक है। अब देखो, अब बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है, बिहार सरकार के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक डिसीजन लिया है कि बिहार जो
जो पटना जो एरिया है, जो कैपिटल है, उसमें जितना भी जो स्टेट स्टेट का जो गाड़ी घोड़ा चलता था, जैसे बसेस वगैरह चलता था, उसको हटाकर अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस को चलाना है। और आपको पता होगा कि पटना से बहुत सारे बसेस जो सरकारी बसेस होते हैं, जब आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे उसमें ट्रेवल भी करते हैं, किराया उसका बहुत ही कम होता है, और प्राइवेट बसें का तो भैया पूछो मत, बहुत ज़्यादा किराया है, ठीक है ना। तो जैसे हम मोतिहारी के हैं, तो मोतिहारी से पटना जाने में कम से कम प्राइवेट बस में 250 के आसपास किराया लग जाता है, लेकिन अब सरकारी बस में जाइएगा तो 100-105 रुपया पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। तो बोला गया है कि पटना में तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन लेकिन अगर जो पटना से बहुत सारे जो बसेज स्टेट बसेज जो जाती है, अदर जैसे मुजफ्फरपुर गया, हाजीपुर गया, बिहार शरीफ गया, तो वो सब भी क्या होगा, उस वो सब भी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस पर चलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब पहला करंट अफेयर्स क्लियर हो गया। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हम डिसीजन लिया गया है बिहार सरकार ने, कौन से मिशन के तहत लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये लिया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, इतना ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आइए अगला करंट अफेयर्स की ओर। देखिए भाई, बिहार फर्स्ट 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब हिंदी में देखिएगा तो पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो आपको ग्रीनफील्ड से लग रहा होगा नहीं कि पर्यावरण ये सबसे बचाने उचाने के लिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं क्या है। अब पहले इसको देख लीजिए कि ये जो एक्सप्रेसवे है, 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ठीक है ना, एक याद रखिएगा। तो ये चलेगी दोस्तों औरंगाबाद टू पटना वाया वाया दरभंगा, दरभंगा होते हुए, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो औरंगाबाद से पटना बीच में दरभंगा होते हुए सर से निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस देखिएगा तो 205 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो इसको बनाने में दोस्तों खर्चा आएगा आपको 7200 करोड़। इसको भी आप याद रखिएगा। और बीच में पटना है, तो पटना नॉर्थ और साउथ बिहार को इजीली वे कनेक्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, तो अब क्वेश्चन होता है कि ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का होता है, ठीक है ना। मतलब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं देखिए, संभावनाएं देखिए। मतलब पहला क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो औरंगाबाद से पटना होते हुए तो दरभंगा तक बनेगा, कितने हैं, 205 किलोमीटर लंबा बनेगा। कितना रुपया लगा इसमें, तो 7200 रुपया लगा। यहाँ तक आपको 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या होता है। तो सब सोच रहे होंगे कि ग्रीन फील्ड मतलब पेड़ पौधा लगा के जो एक्सप्रेस वे है उसके बगल में पेड़ पौधा लगाना, नहीं वो नहीं है दोस्तों। ग्रीन फील्ड होता है ना कि कोई ऐसा हाई कोई मतलब उस जगह पर रोड हम बनाएंगे, उस जगह पर रोड बनाएंगे जो उस पर कभी यूज नहीं हुआ हो। जैसे सपोज करो बहुत सारे सरकारी जमीन उमीन होता है ना बिहार में, कोई एक वर्ड है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जमीन सब नहीं होगा आपके आसपास देखिएगा तो जमीन सब ऐसे ही पड़ा होगा, तो सब गर्म जरुआ जमीन ऐसे, हाँ गर्म जरुआ जमीन करके है। तो सरकार का कुछ ऐसा जमीन है ना जिस पर आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, तो उस पर क्या कर? उसी जमीन को यूज करते करते एक्सप्रेस वे बनाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है ग्रीन फील्ड। मतलब ग्रीन फील्ड मतलब क्या है कि उस पर आज तक कुछ काम नहीं हुआ है, नॉट हैज़ बीन यूज्ड। ग्रीन मतलब क्या होता है, न्यू। ग्रीन मतलब अब पेड़ पौधा नहीं, ग्रीन मतलब आपसे क्या समझिएगा, न्यू। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब देखो, अब सुपौल में तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क खुलने जा रहा है, ठीक है। इससे पहले दो कहाँ कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन बन गया सुपौल वाला, तो इसको याद रखिएगा कि सुपौल में खुलने जा रहा है थर्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब इससे पहले दो कहाँ है, तो एक है दोस्तों आपको अररिया में और सेकेंड है आपको गया में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है, तो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा लिया गया है कि सुपौल में भी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसके अलावा भी देखे होंगे दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया भी शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला बनेगा कि सुपौल में खुलने वाला है, सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि सुपौल के अलावा कौन कौन से जगह पर बिहार में है। तो बिहार में 3 जगह है, अररिया, गया एंड सुपौल, इसको आप याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, मतलब 13 जिलों में जैविक गलियारा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। अब देखो, जो जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का, वो बोला गया है कि जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर जो है ना, वो जो जो जिला से पास करता है ना, उस जिला को क्या बनाना है, उस जिला के आसपास ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता होगा कि उसमें हम फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से जो हमारे दादा परदादा करते थे जब खाद उद था नहीं, तो उस समय जो यूज होता था उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, जैविक खेती। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कॉरिडोर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखिएगा बच्चे, 13वां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपको भागलपुर टू, सॉरी, बक्सर टू भागलपुर, इसमें 13 जिला आएगा। इसमें क्या करना है कि गंगा के किनारे वाले जो रीजन सब है उसमें हमको बिना खाद का खेती करना है। और ये डिसीजन जो लिया गया है ना, बिहार का जो एग्रीकल्चर रोड मैप है ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप कब से कब है, तो ये हो जाएगा आपका 2017 से 22 तक। इससे पहले फर्स्ट भी आ चुका है, सेकेंड भी आ चुका है, तो फर्स्ट और सेकेंड भी पूछा जा सकता है, उसको भी ध्यान से याद रख लीजिएगा। तो जो थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप है 2017 से 2022 तक, ठीक है, उसके तहत बोला गया है कि हम ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएंगे 13 डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, तो भागलपुर टू सॉरी बक्सर टू भागलपुर तक, उसमें हम क्या करेंगे, जैविक खेती करेंगे, बस यहाँ तक पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब आइए आगे, सेव आवर गार्जियन ट्री मूवमेंट, हमारे संरक्षण संरक्षक पेड़ बचाओ आंदोलन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये, हाँ, ये इस चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण जो है वहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। और इसको किया कौन है, तो इसको वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस चंपारण का मोतिहारी है, तो मोतिहारी का जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा, जो वहीं DM वगैरह ये सब होगा, ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, तो जो कलेक्टर साहब, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला है कि जो भी ट्री जो पुराना है, पुराना मतलब क्या है कि जो 70 साल से 100 साल के बीच में है, ठीक है ना, जो 70 साल से 400 साल पुराने हैं, ठीक है ना, एक बहुत पुराना हो गया, इस सबको हम लोग क्या करेंगे, इस सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए एक मूवमेंट लॉन्च किया गया जिसको बोला गया सेव आवर गार्डियन ट्री, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ईस्ट चंपारण में, ठीक है। और इसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है पर्यावरण पहाड़ी प्रहरी प्रहरी, ठीक है ना, तो ऐप का भी ध्यान रखिएगा, पर्यावरण प्रहरी ऐप, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन, इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछने का गुंजाइश नहीं है। अब आइए अगले, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। अब देखो, अब पढ़ने से आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता है, मतलब कम कम कार्बन उत्सर्जन वाला विकास मार्ग, मतलब क्या है कि बिहार में एक ऐसा रोड बनेगा जहाँ पर कार्बन जो है ना, कार्बन का रिलीज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज और बाकी जो गैसेज है ना उसका रिलीज कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये बिहार बना रहा है तो बिहार किसके हेल्प से बना रहा है, तो दोस्तों बिहार जो है वो UNEP के हेल्प से बना रहा है। UNEP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन इससे पहला बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार इस तरह के मार्ग वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जब भी फर्स्ट आए ना बिहार का, तो ध्यान रख लीजिएगा, तो इसका इंपॉर्टेंस पता लग गया कि ये पहला राज्य बना है पूरे देश का जो ऐसा एक पाथवे बनाएगा, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, कम कार्बन उत्सर्जन वाला विकास मार्ग, ठीक है, किसके हेल्प से बनाएगा, पहला। सेकंड क्वेश्चन बनेगा UNEP के, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब थोड़ा बहुत देखिए कि लो कार्बन पाथवे ये होता क्या है, तो सपोज करो कि कोई एक रोड है, ठीक है ना, तो उस रोड से सपोज करो कि 10% कार्बन हम रिलीज हो रहा है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है ना, तो 10% पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो जितना परसेंट पॉल्यूशन होगा ना उतना परसेंट हम कार्बन एटमोसफेयर से हम घींच भी लेंगे, मतलब सपोज करो कि कोई एक रोड है, ये पाथवे बन गया, ठीक है, अब इस पाथवे से हमें 10% पॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कार्बन और डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 10% जो एटमोसफेयर में गया है ना उसको हम वापस भी लेंगे, मतलब एटमोसफेयर से साफ भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लो डेवलपमेंट पाथवे। अब देखो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगा के करेंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अगला, जल जीवन हरियाली, ठीक है ना। अब देखो, अब जल जीवन हरियाली आपको पता है कि वन ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का, ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या है कि जल जीवन हरियाली दिवस क्वेश्चन आ गया कि कब मनाया जाता है, तो अब ध्यान से इसको याद रखना कि ट्यूजडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का मंगलवार को बनाया जाता है बिहार के स्कूलों में, हर महीने के पहले मंगलवार, हर कोई भी महीना स्टार्ट होता है ना, तो पहला जो मंगलवार होगा उसको हम जल जीवन हरियाली दिवस से मनाया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखो, सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब किया जाएगा तो है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो प्लांट का स्थापना जो हम कर रहे हैं, सीवेज मतलब क्या है कि जो नाली उली से जो गंदे कचरे फचरे निकलते हैं वो उसको हम नदी में ना जाए, नदी को पोल्यूट ना करें, गंगा नदी को पोल्यूट ना करें, उससे बेटर हम क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्लांट की स्थापना कहाँ पर हो रही है, ये हाजीपुर में हो रही है। हाजीपुरिया वाले सब ध्यान से सुनिएगा, वहाँ का केला बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो हाजीपुर में हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसको बनाने में जो हेल्प कर रहा है ना वो कौन कर रहा है, तो इसको बनाने में जापान हेल्प कर रहा है और जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन आ गया कि कहाँ से हो रही है, तो कहाँ पर हो रही है, तो हाजीपुर में। इस किस कौन से देश की मदद से हो रही है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो जापान की मदद से, जापान की मदद से वो हो रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसीव CATS एक्रीडेशन। ठीक है, तो सबसे मन में आपको क्वेश्चन आया होगा कि CATS का होता है, ठीक है ना, CATS से होता क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब आपको पता होगा कि बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, एकलौता टाइगर रिजर्व कौन है, तो वाल्मीकि, इसको नाम याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में एकलौता टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, तो वाल्मीकि। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कहाँ पर है, तो यह है पूर्वी चंपारण में, ठीक है ना, वेस्ट चंपारण जिसको बोलते हैं, वेस्ट चंपारण में। क्लियर हो गया। अब देखो, अब तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को CATS एक्रीडेशन एक सर्टिफिकेट मिला है। अब CATS होता क्या है ना, कि सीधी साधी भाषा में समझो कि एक क्या है, कि एक स्टैंडर्ड है। जैसे क्या है कि आप घर बना रहे हो तो घर का एक मापदंड होगा ना कि भाई इसको भूकंप से बचाना है, इससे बचाना है, फ्लड से बचाना है, वैसे ही एक CATS एक्रीडेशन एक मापदंड है कि जितने भी टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर के देख रेख में सही से किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा CATS का। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो अभी तक इंडिया में 14 ऐसे टाइगर रिजर्व है, 14 जिसको मिल चुका है। ठीक है, और देता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगर हिंदी में देखो तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कहाँ, तो वाल्मीकि। CATS एग्रीडेशन क्या होता है वो आपको बात समझा चुके हैं। अब कितने को मिला है, तो अभी तक 14 को मिला है। थोड़ा बहुत अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे इसमें क्या है कि असम में 3 को है, मध्य प्रदेश में 2, तमिलनाडु में 2, महाराष्ट्र में 1, बिहार में 1, उत्तर प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 1, केरल में 1, कर्नाटक में 1, बस हमें बिहार से मतलब रखना है। अब आइए लीडार सर्वे फॉर फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अब देखो ये भी मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो केंद्रीय पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय है ना, उसका एक क्या है, उसका एक सर्वे है। सर्वे कैसे करेंगे, लीडार के मदद से। अब लीडार का होता है, देखिए अब लीडार एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। ठीक है, अब सीधी साधा में देखो क्या होता है कि इसमें हम लोग जो लीडार है ना, इसमें हम लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग लाइट जो होता है ना, रे वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिंपल सा भाषा है कि सपोज करो कि क्या है कि कोई जंगल उंगल का हमको फॉरेस्ट का सर्वे करना है, तो एक हेलीकॉप्टर या प्लेन वगैरह में एक टेक्नोलॉजी लगा दिया जाएगा लीडार सर्वे, और एक जाएगा उस जंगल के ऊपर से क्रॉस करेगा और उसका पूरा जो डाटा है मैपिंग है वो सब क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। उसमें आपको 3D मैपिंग कर लेगा, कहाँ पर पानी सूखा है, कहाँ पर पानी ज़्यादा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम, कहाँ पर पेड़ कम है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो भी प्रॉब्लम है ना सब कर लेगा, टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। ठीक है, तो लीडार सर्वे क्यों न्यूज में है, क्योंकि 9 स्टेट में इसको सर्वे मतलब किया जाएगा, हैज़ बीन रिलीज्ड, उसमें से बिहार भी है, इसलिए इसको लिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह अपनी तरह का एक पहला और लीडार तकनीक का उपयोग करने वाला एक अनूठा प्रयोग है जो जंगल के क्षेत्रों में पानी चारे को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल आपको ये बता देगा कि भाई कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मतलब क्या है कि राष्ट्रीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो कुछ स्टेट ऐसे हैं ना जो हमेशा क्लाइमेट के प्रॉब्लम से वल्नरेबल है। ठीक है, जैसे माउंटेन वाला जो स्टेट हो गया जिसमें भूकंप आने की खतरा होती है, साउदर्न स्टेट देख लो, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ पर साइक्लोन सब आते हैं। ठीक है ना, तो एक असेसमेंट किया गया है जिसमें बिहार भी है। ठीक है ना, बिहार भी है,
और बिहार के अलावा जो 7 अदर ईस्टर्न स्टेट है ना, वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी वर्नेलेबल है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज से कोई भी असर होता है, कुछ भी होता है, जैसे सपोज करो सूखा पड़ गया या अचानक बाढ़ आ गया, तो उसमें बिहार भी वन ऑफ द है, वो उसमें बिहार में भी प्रॉब्लम देखा जाएगा। तो अब बिहार बस यहीं है और कुछ हमें पढ़ना नहीं है इसमें। अब देखिए, दूरदर्शन पटना कंट्री फर्स्ट ग्रीन हब, देश का पहला ग्रीन हब दूरदर्शन पटना हुआ है। तब तो क्वेश्चन देखो, देश का पहला ग्रीन हब दूरदर्शन कहाँ है, तो पटना में है, तो क्वेश्चन पहला इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा। अब ग्रीन हब मतलब क्या है कि जो पटना में मतलब क्या है कि जो दूरदर्शन पटना का दूरदर्शन है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला दूरदर्शन केंद्र बना है जहाँ इलेक्ट्रिक कारों का संचालन हुआ है, और कुछ इसमें पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा पटना का दूरदर्शन वाला जो है ना वो है, अब गांधी मैदान के बगल बगल में है, मैं देखा हूँ इसको, अब जो भी पटना रहते होंगे उनको आइडिया होगा। अगला देखिए, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन। अब देखो ये न्यूज इसलिए बन जाता है ना कि देश में पहला ऐसा टाउन बन गया है जो ग्रीन एफिशिएंट है, देश का बोला हूँ, बिहार का नहीं। ठीक है, बिहार, और कौन कौन बना है ये भी नाम याद रखिएगा, तो राजगीर एंड बोधगया। तो बिहार में राजगीर और बोधगया दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अब ग्रीन एनर्जी इफिशियंट टाउन मतलब क्या होता है, तो ग्रीन एनर्जी इफिशियंट टाउन मतलब होता है कि इस शहर में जितना भी बिजली वगैरह यूज किया जाएगा ना वो ग्रीन होगा। मतलब क्या होगा कि सौर्य सूरज से लिया जाएगा, सौर्य से जो सोलर पावर जो होता है ना उसके इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा, तो ये होने वाला है, सेट टू बिकम, अभी हुआ नहीं है, सेट टू बिकम द कंट्री फर्स्ट। और इसी लाइन में पटना भी है, ठीक है, इसी लाइन में क्या है, पटना भी है, तो पटना क्या हो जाएगा, तीसरा बन जाएगा। तो अभी आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो राजगीर, बोध गया और पटना, ठीक है, देश का पहला ऐसा टाउन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एशिया एंड इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये आपको पता होगा, प्रीवियस मतलब पिछले साल का एक करंट है, ठीक है, इसीलिए इसको लिया गया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमेशा न्यूज में रहता है। तो कहाँ पर है डॉल्फिन सेंटर, तो वो हो जाएगा पटना में, ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये पटना में हो जाएगा, बस उसको याद रखिएगा कि पटना में रिसर्च सेंटर खुलने वाला है। ठीक है, पटना में कहाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि जो बिहार के बगल में क्या है, गंगा नदी है, और इसमें डॉल्फिन पाया जाता है, और ये डॉल्फिन का खासियत क्या है ना कि डॉल्फिन है ना अंधा होता है, अंधा, ये दिखता नहीं है, ये उनके देखते नहीं है, ये अपने जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी बोलना हुआ, अपने जो सुनार है ना उसके मदद से एक बीम छोड़ता है, अपने बीम छोड़ता है, उसके उसके अकॉर्डिंग ये अब चलता है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें, गंगेटिक डॉल्फिन जो कहाँ पर खुलने वाला है रिसर्च सेंटर, हो पटना में खुलने वाला है, पटना यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में देखें तो ये क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 में आता है, और IUCN में इसको थ्रेटेंड बताया गया है, ये भी आप थोड़ा बहुत थ्रेटेंड बोल रहा हूँ, इंडेंजर, सॉरी, इंडेंजर्ड बताया गया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन MOA विथ IIT दिल्ली। अब देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, IIT दिल्ली के साथ बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समझौता साइन किया है, जिसके थ्रू क्या होगा कि IIT दिल्ली एक टेक्नोलॉजी जिसको GIS सिस्टम बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली हिंदी में, वो क्या करेगा कि वो स्थापित करेगा, ठीक है, जिससे हम क्या करेगा, ये क्या किया जाएगा कि हम पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं, और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक गार्डन इन अररिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर जैविक उद्यान खोला जा रहा है, तो हो जाएगा अररिया में, ये बस अररिया का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट जो है ना नेपाल के सीमा से, कौन कौन से स्टेट जो हैं वो नेपाल के सीमा से टच करते हैं बिहार का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन पाथवे हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट टर्टल रिहैब सेंटर कहाँ पर खुलने जा रहा है बिहार में, बिहार में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, तो बस एक ही चीज़ है, वो भागलपुर, याद रखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न बिहार है ना वो बहुत ही ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है ना, बच्चे बच्चे जो टर्टल जो कछुए के जो बच्चे पैदा करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह माना जाता है, एक आदर्श स्थल माना जाता है, जहाँ पर कछुए क्या करते हैं, बच्चे अपना देते हैं, तो इसीलिए बिहार का पहला रिहैब सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है, भागलपुर में। अब देखिए, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और
एक कब सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो 2011 में इसका सबसे पहला स्टार्ट किया गया था। और एक कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड। आते हैं अगला, बिहार गवर्नमेंट बैन ऑन व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स। मतलब नीतीश सरकार ने डिसीजन लिया है कि 15 साल पुराना जितने भी व्हीकल है ना उसको बैन किया जाएगा। और एक कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल नहीं, कमर्शियल व्हीकल। अब प्राइवेट कमर्शियल में तो पता ही होगा, प्राइवेट जो आपके घर में आप पर्सनल यूज करते हैं, कमर्शियल जिससे आप भाड़ा उड़ा कमाया जाता है उसको बोला जाता है। तो 15 साल पुराने जितने भी है ना उसको बैन किया जाएगा। और प्राइवेट व्हीकल है जो 15 साल पुराने, उसके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र ये सब जो है ना वो सब जाँच पड़ताल उससे उसको देखा जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें पढ़ना। देखिए अब थोड़ा बहुत की हाईलाइट्स देख लेते हैं इसका। तो ऑल गवर्नमेंट क्या है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल है ना उसको बैन कर देगा पटना में और पटना के आसपास वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन को से हमें बचाना है। प्राइवेट व्हीकल बैन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा पोल्यूशन कंट्रोल का, और उसमें काफ़ी पैसे लगेंगे सर्टिफिकेट बनवाने में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और क्यों, कारण क्या है कि बिहार टॉप 10 सिटीज़ में सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है पटना। बिहार, बिहार के जो कैपिटल है पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, जितने भी इन्वायरमेंट वाला जो इशू है वो हम लोग 1 साल का हम कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट चलते रहेगा, इसके बाद हम स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आने वाले हैं। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।